नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, कभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। वाह वाह कविता, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अद्भुत पंक्तियां हैं। वाह वाह वाह। चार पंक्तियां और रखती हूँ, आप सबका मन चाहती हूँ और मेरा तेवर आप तक पहुंच जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुने। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। हाय हाय। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं। आए, आए, भाई बहुत अच्छे। वाह कविता, वाह वाह वाह। वाह कविता, वाह 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 वाह। मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। और कौन पूजा जाता है, कौन पूजा से भी बड़ा हो जाता है। यदि अगली पंक्तियों पर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे लगेगा कि धर्म से बड़ा राष्ट्रधर्म होता है, ये आपके दिल में है। मैं पंक्तियां रखती हूं। कौन पूजा से बड़ा हो जाता है, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। कोई जर्रा नहीं ऐसा, एक मुठभेड़ में आतंकवादी मारा गया, आप सब जानते हैं, आपने लखनऊ में देखा होगा, अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चला होगा। उसके पिता ने अपने पुत्र का शव लेने से मना कर दिया, क्या भावना होगी। और तमाम विवाद में अवध की धरती पर खड़ी हुई हूं, बहुत सारे विवाद हैं जो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं चार पंक्तियां रखती हूं, यदि उन विवादों के ऊपर भी कोई बात हो सकती है तो आप मुझे सूचित कीजिएगा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। बिल्कुल। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। बहुत अच्छा कविता, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और ये बात इतनी बेबाकी के साथ क्यों कह सकती हूं, क्या ऊर्जा है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं किसी नेता पर, कोई कविता मैं नहीं लिखती, नहीं पढ़ती कोई कविता। मैं शहीदों के लिए कविताएं पढ़ती हूं, और क्यों पढ़ती हूं, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। स्वागत है। सुनेगा, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं आदर से। मैं भारत वर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन
नमन में कर नहीं सक। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, क्रांति के स्वर, वाह, एक महत्वपूर्ण आयोजन, वाह बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मेरे आदरणीय चाचा जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मुझे लग रहा है कि पूरे मंच का मुझे आशीर्वाद मिल गया है। मैं बहुत बहुत आभार तो नहीं क्योंकि मैं घर की बिटिया हूं, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। सुने, क्रांति के स्वर शीर्षक दिया गया है क्योंकि मैं इस क्रांति के स्वर 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ ये इस क्रांति का एक स्वर्णिम पृष्ठ पलटना चाहती हूं। ये प्रश्न मेरे हिस्से का है, ये प्रश्न मेरे आदर्श का है। यदि वो आपके भी आदर्श हो तो मुझे पंक्तियां, मैं पंक्तियां रख रही हूं, आप मुझे सूचित कीजिएगा। चार पंक्तियां भूमिका में पढ़ रही हूं। यदि आपने बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया है तो मुझे बताइएगा। अगर आपने इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से सुन लिया तो मैं वो एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूं। पंक्तियां समर्पित करती हूं। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत आभार। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बहुत सुंदर, वाह बहुत अच्छा, वाह 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 बहुत अच्छा। मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। स्वागत। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिएगा कि आप उसी समय 1857 की क्रांति के समय जब पूरा देश परतंत्र है और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ का ये जो वातावरण है वो भी गुलाम हो चुका है, कैसी अनुभूति होती होगी। शब्द चित्र से प्रारंभ कर रही हूं, पंक्तियां सुने। स्वागत। निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, हाय हाय वाह 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 वाह, क्या प्रतीक में बिंब खींच दिया, वाह वाह वाह, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। बहुत अच्छा, वाह वाह। हर कोना यदि अतीत पर गर्व हो, हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। बहुत आभार। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। गुरुजनों की पावन उपस्थिति है, आप सब जानते हैं, तमाम राजा महाराजा साम्राज्य सहित अंग्रेजों के समक्ष समर्पित हो रहे थे। ऐसे में एक महिला सिंहनी की भात गरजती है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल, अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया अपनी मातृभूमि के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए उस देवी ने बताया, लेकर 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 कृपाण
मारूंगी त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। एक मूर्ति आप सबने देखी होगी, महारानी लक्ष्मी बाई की एक मूर्ति आप सबने देखी होगी, शब्दों के द्वारा उसे मूर्त कर रही हूं। शिशु शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वलगाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गहलिए खड्ग निज हाथों में, जब तक जब तक जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर दानी लक्ष्मी बाई का। वाह बहुत गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आप, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गीत का अंतिम बंद रख रही हूँ, युद्ध काल का वर्णन, युद्ध कौशल का वर्णन आदिकाल से होता आया, एक प्रयास कर रही हूँ, सुने। स्वागत। गोरों की सत्ता के आगे मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। गोरों की सत्ता के बच्चों, गोरों की सेना पर रानी, रहने दो, चुपचाप बैठा रहने दो, क्या डिस्टर्ब कर रहा है, काट रहा है, इसको टिकट किसने दिया यहाँ का, एक मिनट, अब उसकी तरफ से ध्यान हटा लीजिए, उसको भगाना आवश्यक हो गया है, वो चुपचाप चला जाएगा, आप लोग अपने उसके दांतों से दूर रहिए बस, चलो वो वैसे लंगड़ा रहा है, उसको घायल को और क्या मारना बेचारे को। चलिए कविता जी के लिए ताली बजाइए एक बार, और वातावरण में वापस कविता। गीत का अंतिम मंत्र रखती हूँ, युद्ध काल का वर्णन करना चाहती हूँ, पंक्तियाँ सुने। स्वागत। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रण चंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी, उड़ चला पवन के वेग पवन। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल में उनके घोड़े चेतक का उल्लेख है, आप सब जानते हैं। महारानी लक्ष्मी बाई के युद्ध कौशल में भी दो विशेष घोड़ों का उल्लेख आता है, वो लेख आपके बीच में रख रही हूँ, वो नाम आपके बीच में रख रही हूँ। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, पवन और बादल नाम के दो घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया, रण बीच अकेली डटी रही। एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है कि वो अकेली क्यों डटी रही, इतिहास के मर्मज्ञ बैठे हुए हैं, मैं मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सत्य उद्घाटित करना मंच का दायित्व तो होता है, इसलिए कहना चाहती हूँ कि यदि 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो हम उसी समय स्वतंत्र हो गए होते। ये कड़वा सच है, मैं आपके बीच में रखती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे, साहस के तब पौबारे थे। एक पंक्ति पढ़ रही जो महारानी लक्ष्मी बाई के जीवन में घटित हुई, आपके जीवन में रोज घटित होती हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। आए है, आए है। और माफी के साथ पढ़ते हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ पौराणिक प्रसंग हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। अपनों से हारने की परंपरा कहां से है, पंक्तियां समर्पित करती हूँ, ऐतिहासिक रूप में लीजिएगा। त्रेता में पदलो लुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास बहुत बहुत आभार। इतिहास अंतिम पंक्तियां रख रही हूं, आप सबकी भरपूर, आप सबके भरपूर आशीर्वाद के साथ मैं विदा चाहती हूँ। इतिहास इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर दानी लक्ष्मी बाई।